मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे स्वतंत्र एवं प्रतिबद्ध न्यायालय इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ दो शब्द हैं स्वतंत्र एवं प्रतिबद्ध न्यायालय मुझे लगता है कि अगर यदि आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी पिछले एक साल से कर रहे होंगे तो आपने प्रतिबद्ध नौकरशाही के बारे में जरूर सुना होगा प्रतिबद्ध नौकरशाही इसकी कल्पना या यू कह लीजिए इसकी बात या इसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा की थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय से ये शब्द खूब चल गया प्रतिबद्ध नौकरशाही अब जो बात आ रही है वो प्रतिबद्ध एवं स्वतंत्र न्यायालय की बात आ रही है ये शब्द उठा है अपेक्षा नहीं की गई है कि न्यायालय प्रतिबद्ध हो लेकिन यह शब्द उठा है और क्यों उठा है आइए उसको जान लेते हैं और फिर इस पर बात करेंगे एक घटना जो बिल्कुल नई नई है और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ भी होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल है उस बार काउंसिल के लगभग 600 एडवोकेट्स ने हस्ताक्षर करके उस पत्र को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा है और उसमें हस्ताक्षर करने वाले लोगों में हरीश सालवे जैसे बहुत बड़े बड़े एडवोकेट है मतलब ऐसा है नहीं की छह की संख्या है तो कोई भी संख्या है मतलब बहुत ही नामी ग्रामीण उसमें वकील है इसका मतलब है की बात गंभीर है और उस पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे वह बिना किसी दबाव के काम करे इसके लिए हम अपना पूरा साथ देंगे और उन्होंने ये आशंका भी व्यक्त की है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हो सकते हैं जो भी हो वो प्रत्यक्ष नहीं है न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ये बात कही गई और डेफिनेटली जैसे ये पत्र आया एक प्रकार की खलबली मच गई देखिए इसका एक राजनीतिक पक्ष है नो no डाउट हम सब उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं और अखबारों में लिखा भी जा रहा है लेकिन मैं बार बार आप सबसे यही कहता हूं कि चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप उसके राजनीतिक पक्ष तक अपने को सीमित रख लेंगे तो आप यूं कह लीजिए कि आपने जो सबसे महत्वपूर्ण उसका भाग है उसको छोड़ दिया है हमें इसे बहुत ही सीधे सीधे संवैधानिक कानूनी और नैतिक दृष्टि से देखना होगा मैंने कहा संवैधानिक कानूनी और नैतिक दृष्टि से देखना होगा ये तीन आपके मुख्य बिंदु होंगे राइट तो आइए यहाँ हम पहले बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रतिबद्ध न्यायपालिका की हम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इसका कारण क्या था इसका सिंपल सा कारण यह था कि जो इंदिरा गांधी थी वो बेसिकली समाजवादी विचारधारा की थी जब वे प्रधानमंत्री थी तब हमारे संविधान के प्रियम्बल में शब्द जोड़ा गया था समाजवादी शब्द उन्होंने प्रीवी पर्स को बंद किया था लैंड सीलिंग कराई थी सारी के सारी उनके समाजवादी विचारधारा को रूप देने वाले कानून थे उन्होंने ये अपेक्षा की थी कि जो हमारा न्यायालय हो वो प्रतिबद्ध हो प्रतिबद्ध हो तो किसके प्रति प्रतिबद्ध प्रति ठीक है प्रतिबद्ध अच्छी बात है वो प्रतिबद्धता किसके प्रति हो यदि वो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की बात करती तो बिल्कुल सही बात थी क्योंकि न्यायालय इनफैक्ट सही मायने में संविधान का कस्टोडियन है रक्षक है और आप देखिए कि कैसे अभी कुछ दिनों से जो जजमेंट आ रहे हैं और खासकर जो पी के तहत आते हैं वे सबके सब संवैधानिक सब अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से ही आते हैं नागरिकों के तो कस्टोडियन है तो सीधी सी बात है कि यदि ये कहा जाए कि हमारे न्यायालय को संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए तो ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट है लेकिन उनका कहना था कि नहीं जो सरकार है उसके प्रति प्रतिबद्ध हो क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है ध्यान दीजिएगा सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जब सरकार चुनी जाती है और जब बन जाती है तो सीधी सी बात है कि अब उसने जो बातें कही है जनता से जिसके समर्थन में जनता ने इन्हें वोट दिया है अब उसे लागू करना है तो न्यायालय को भी चाहिए कि वह सरकार का साथ दे और यही बात उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी कही कि ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वह सरकार का साथ दे ब्यूरोक्रेसी को भी संविधान का संरक्षण प्राप्त है जो ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए वो कानून के तहत नियम के तहत करना चाहिए नैतिकता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जजमेंट देने चाहिए कार्य करने चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं न कहीं जजमेंट देने के अधिकार होते हैं निर्णय लेने के अधिकार होते हैं तो यदि यह प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है यदि यह प्रतिबद्धता नियम और कानूनों के प्रति है तब कोई हर्ज नहीं है लेकिन यदि यह सरकार के प्रति है और खासकर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में तो वह बहुत ही चिंताजनक बात हो जाती है यह मुझे लगता है कि आपके निष्कर्ष में होना चाहिए चाहे वह नौकरशाही का मामला हो चाहे वह न्यायालय का मामला हो और आप देखिए हमारे संविधान में सीधे सीधे सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था तो की ही गई है लेजिस्लेचर अलग है उसके अधिकार अलग है इसके बाद एग्जीक्यूटिव है उनके अधिकार अलग है इसके बाद हमारे पास जुडिशरी है इसके अधिकार बिल्कुल अलग है और फिर प्रेस को बिल्कुल अलग से स्वतंत्रता दे दी गई है और ये फोर पिलर्स हैं जो काम करते हैं हालांकि जो प्रेस है उसको फोर पिलर्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है मतलब ये केवल हमारी बातचीत में आता है संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर के तहत इन तीनों को अलग अलग रखा है तो दोस्तों जब अभी यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है तो क्यों खतरे में है ये हमें जानना होगा इस पृष्ठभूमि को बताने के बाद आइए मैं इस इश्यू पर आता हूँ न्यायपालिका को खतरे में कौन डाल सकता है पहले हम उनकी पहचान करें तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे सरकार अभी हमने प्रतिबद्धता की बात कही थी तो सरकार ही चाह रही है कि जो न्यायालय है वो हमारे प्रति प्रतिबद्ध प्रति हो ठीक है तो सरकार किस तरीके से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है संविधान ने तो जो व्यवस्था कर दी है कर दी है आपको उसके दायरे का ध्यान तो रखना ही होगा तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सरकार पहली बात कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उन नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण बना करके न्यायपालिका के स्वतंत्रता को बाधित कर सकते और आपको मालूम है कि कुछ साल पहले बकायदे इस नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई थी कानून भी बन चुका था लेकिन उस कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था ये कहते हुए कि नहीं यह न्यायपालिका के स्वतंत्रता के विरुद्ध है यानी कि सरकार कानून बना करके न्यायपालिका के स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है ऐसी कोशिश की भी गई जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा एक्ट तो नहीं ला सकते स्थापित सत्य हो गया है देखिए अभी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है इससे पहले जो नियुक्तियां होती थी वो सीधे सीधे, सीधे सरकार करती थी मिसेस गांधी के समय में भी सरकार करती थी और उन्होंने कई बार ऐसा किया है सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियरिटी के आधार पर चीफ जस्टिस बनाए जाने चाहिए उसका पालन उन्होंने नहीं किया उन्होंने अपने पसंद के न्यायाधीश को चीफ जस्टिस बनाया और उसके विरोध में उनके बाद के जो न्यायाधीश थे उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया वो इतिहास का हिस्सा है तो अब तो ऐसा नहीं किया जा सकता लगभग लगभग ये बात स्थापित हो गई है सरकार के पास जो दूसरा आधार होता है वह पुनर्नियुक्ति को लेकर के होता है पुनर्नियुक्ति का मतलब ये नहीं की आप न्यायालय में ही पुनर्नियुक्ति कर रहे हैं वहां तो आप नहीं कर सकते लेकिन आप दूसरे तरीके से न्यायाधीशों पर प्रभाव डाल सकते हैं उन्हें आकर्षित कर सकते हैं उन्हें लालच दे सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जैसे ही न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त होता है आप उन्हें किसी ट्रिब्यूनल में शामिल कर सकते हैं किसी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दीजिए इंक्वायरीज चलती रहती है आयोग बनते रहते हैं आप उस आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं यहाँ तक कि आप राज्यसभा में उन्हें भेज सकते हैं आप देखे की चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब थे वो जब रिटायर हुए तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया अब जब राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो उस समय काफी इसका विरोध हुआ था क्योंकि रंजन गोगोई उस बेंच के मेंबर थे जिन्होंने अयोध्या पर फैसला सुनाया था इसका मतलब है कि सरकार जो चाहती थी उसी के पक्ष में फैसला हुआ और इसके इनाम के रूप में उन्हें ये दे दिया गया अब देखिए सवाल ये है कि जो उन्होंने फैसला सुनाया था वो किसी लाभ की दृष्टि से सुनाया था या यही फैसला सुनाया जाना चाहिए था वो एक अलग बात है हो सकता है कि कुछ अगर उन्हें इस तरह की संभावना नहीं भी होती या थी या नहीं थी हम नहीं जानते तब भी वो यही फैसला सुनाते लेकिन जब न्याय होता है तो उसके बारे में एक कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए तो सरकार के पास एक ये भी उपाय होता है अभी आप देखिए कि बकायदे वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे उन्होंने त्याग पत्र दिया और इसके बाद तुरंत राजनीतिक दल में शामिल हो गए ये भी ये कहा जाता है कि यह भी कहीं ना कहीं न्यायाधीशों को प्रभावित करने की सरकार की या राजनीतिक दलों की एक परंपरा है या कह लीजिए कि उनके हाथ में एक हथियार है तो इससे न्यायालय की स्वतंत्रता कमोवेश बाधित होती है इसमें कोई दो राय नहीं इसका उपाय क्या है क्या इसका सच में कोई उपाय हो सकता है आप सोचिए आप क्या उपाय सुझाएंगे क्या आप बैन कर देंगे जो न्यायाधीश हैं उन्हें राजनीतिक दलों में शामिल नहीं किया जा सकता क्या इस तरह

से प्रभावित होने से पूरी तरह से इनकार कर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तब तक जब तक कि वो कानून के दायरे में अपना काम कर रहे हैं तो ये जो एक आत्मशक्ति कहते हैं या कह लीजिए कि जो नैतिकता होती है जो एक प्रतिबद्धता होती है संविधान के प्रति वह किस न्यायाधीश में कितनी है और न्यायालयों में कितनी है ये सबसे ज्यादा मायने रखती है दोस्तों जो प्रभावित करने वाली शक्तियां होंगी जो दबाव डालने वाली शक्तियां होंगी वे समाज में हमेशा से रहेंगी ही चाहे उसके लिए कितने भी कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्यों न कर लिए जाए क्या हमारे राजनीतिक दल जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए कानूनी प्रावधान नहीं है है ना? लेकिन क्या हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति को लागू करना है उसे वह उसकी अपनी नैतिकता उसके अपने विचार किस तरीके के हैं मुझे लगता है कि इस पर शायद यही निष्कर्ष निकाला जाना श्रेयस्कर होगा तो दोस्तों इस विषय के बारे में बस इतना ही इसी के साथ ही दोस्तों आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूँ नमस्कार